नमस्कार, मैं रोज। हम लोग रिक वैरन की लिखी बुक द पर्पस ड्रिवन लाइफ, उद्देश्य चलित जीवन से कुछ चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग मिलकर पढ़ने जा रहे हैं कि सभी को खुश करने की कोशिश दरअसल एक जाल है। कहीं हम इस जाल में तो नहीं फंस गए? मिलकर देखते हैं और समझते हैं कि इससे बाहर कैसे आए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्यों का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। नीति वचन 29:25। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। गलातियों 1:10। किसकी स्वीकृति के लिए आप जी रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें रिश्तों के लिए बुना है, अतः हम में से हर एक में ये चाहत होती है कि उसे प्यार मिले, उसे मान मिले और उसकी सराहना हो। हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि दूसरे हमें स्वीकारे और हमारी प्रशंसा करे। हमारे कई सारे चुनावों के पीछे किसी के हो जाने की लालसा, उपयुक्त होने की इच्छा या दूसरों के साथ जुड़े रहने का एहसास ही असली ताकत है। हमारी दोनों छोटी पसंदों में, जैसे हमारे कपड़े या हमारे बाल, तथा हमारे बड़े निर्णयों में, जैसे हम कहाँ रहेंगे और कहाँ काम करेंगे, पर हमारी जानकारी के बिना इस बात का ज्यादा असर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। हमारी दूसरों के द्वारा अपनाने, सम्मान करने और प्रशंसा किए जाने की इच्छा में कोई खराबी नहीं है। सच तो यह है कि दूसरों की स्वीकृति के बिना हम अपनी पूरी क्षमता में कभी नहीं बढ़ सकते। हम पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे। हमारा विकास कमजोर होता है। हम केवल दूसरों की सहायता से ही वो बन सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से बनाया है। हम पर भरोसा करने के लिए, हमारी तारीफ करने के लिए और हमारे महत्व एवं सफलता को स्वीकार करने के लिए हम सबको किसी ना किसी की जरूरत है। यदि आप किसी छोटे समूह या किसी चर्च परिवार में नहीं है जहां ऐसा होता हो, तो आपको ऐसे किसी जगह को ढूंढना चाहिए। आपकी आत्मिक सेहत और विकास के लिए प्रोत्साहन अति आवश्यक है। लेकिन उन सभी स्वस्थ और अच्छी लालसाओं के साथ जिन्हें परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला है, स्वीकृति की लालसा का दुरुपयोग सब अस्त व्यस्त कर सकता है। ये एक जुनून बन सकता है जो हमारे जीवन पर हावी हो जाता है, और एक डर जो हमारी आत्मा को नष्ट कर देता है। मांस खाने वाले कीड़े के समान खुश करने की बीमारी हमारा सारा समय, सारी ऊर्जा, सारा आनंद खा सकती है। अमेरिका के बिल कॉस्बी ने एक बार कहा था कि मैं सफलता की कुंजी को तो नहीं जानता, लेकिन मैं असफल होने के तरीके को जरूर जानता हूँ। वो है सबको खुश करने की कोशिश। लोगों को खुश करने का दूसरा पहलू ईर्ष्या है। ईर्ष्या कहती है, खुश रहने के लिए मुझे तुम्हारे समान होना जरूरी है। लोगों को खुश करना कहता है, खुश रहने के लिए मेरा तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाना जरूरी है। ये दोनों जाल हमें परमेश्वर की महिमा के लिए एक उद्देश्य चलित जीवन जीने से रोकेंगे। स्वीकृति की लालसा का अंधेरा पक्ष, डार्क साइड, अस्वीकृति का डर है। लगभग 100 विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों से बात करने के बाद कि दूसरों के द्वारा आलोचना तथा बहिष्कृत किए जाने का डर सबसे आम कारण है जो लोगों को उस रास्ते से भटका देता है जिसे परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। मेरा मानना है कि आपका ध्यान भंग करने के लिए ये शैतान का पसंदीदा हथियार है। एक बार जब आपको ये पता चल जाता है कि आप क्या करने के लिए बनाए गए हैं, तो वो आपके कानों में फुसफुसाता है, लेकिन दूसरे लोग क्या सोचेंगे यदि उन्होंने आपके परिवर्तन को पसंद ना किया तो? यदि उन्होंने आपके काम और बातों की आलोचना की तो? यदि उन्होंने आपके विश्वास का मजाक उड़ाया तो? अस्वीकृत या अपनाए ना जाने का डर अक्सर इतना जबरदस्त होता है कि हम जानते बूझते हुए भी ये काम करना ठीक है पीछे हट जाते हैं। इसलिए लोगों का दबाव हमारे कहने और करने को नियंत्रित करने में बहुत असर डालता है। लोगों का दबाव, चाहे स्कूल में, काम करने की जगह में या हमारे पड़ोस में हो, इसकी जड़ नापसंद या अस्वीकार किए जाने के डर में होती है।
जब स्कूलों में या व्यापार में या सरकारें हमारे परमेश्वर के द्वारा दी गई बोलने और अंतरात्मा के अनुसार जीने की स्वतंत्रता को दबाने के लिए राजनीतिक शुद्धता पॉलिटिकल करेक्टनेस का प्रयोग करते हैं तो इसी डर में शिकार करते हैं। जी हाँ, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए बाइबल हमें बार बार आज्ञा देती है। व्यवहार के बारे में परमेश्वर हमें बहुत स्वतंत्रता देते हैं। रोमियो 15 के 1 में एक वचन ऐसा कहता है, अवश्य है कि हम जो विश्वास में मजबूत है कमजोरों की कमजोरी के प्रति धीरज का भाव रखे, न कि सिर्फ अपनी प्रसन्नता का। एक और वर्जन में कहता है, हम जानते हैं कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उन्हें केवल अपने आप को खुश नहीं करने दे सकते। हमें उन लोगों के संदेहों और डरों को ध्यान में रखना चाहिए जो ये सोचते हैं कि ये गलत है। इस बात को अनदेखा करना कि हमारी पसंद दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव डालती है प्रेम रहित है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं रोमियो 14 के 7 में, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। लेकिन बाइबल भी हमें इस बारे में चेतावनी देती है कि अस्वीकृति का डर हमें उन कामों से दूर न रखे जिन्हें हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे उन्हें कराना चाहते हैं। नीति वचन 29 का 25 कहता है, ये सोचना कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं खतरनाक है। इस पद का एक दूसरा अनुवाद कहता है, लोगों का डर एक खतरनाक फंदा है। लोगों को खुश रखने वाला जाल या फंदा झूठ से फंसा हुआ है। ये झूठ है कि यदि मैं सबको मुझे पसंद करने वाला बना सकूं तो मैं खुश रहूंगा, परंतु ये झूठ हमें केवल दयनीय बनाता है। हम इस चिंता के लगातार दबाव में कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं नहीं जी सकते। बाइबल कहती है, ज्यादा शहद या मधु तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और ना ही ज्यादा महिमा पाने की कोशिश करना। नीति वचन 25 का 27। चलिए देखते हैं लोगों को खुश रखने के खतरे। दूसरे लोगों को ये मंजूर या नामंजूर करने देना ये निर्धारित करता है कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे। कि 5 हानिकारक प्रभाव। पहला, लोगों को खुश रखना मुझे मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा से दूर करेगा। याद रखें, परमेश्वर ने आपको दूसरों की उम्मीदों या चाहतों को पूरा करने के लिए नहीं बनाया है। आप परमेश्वर को खुश करने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर आपको आप ही देखना पसंद करते हैं। बिना किसी गलती के परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। पहला थिस्सलुनीकियों 2:4, हमारा उद्देश्य लोगों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करना है। वो ही हमारे दिलों के भावों को जांचता है। ध्यान दे कि परमेश्वर हमारे दिलों के भावों को जांचते और परखते हैं। परमेश्वर हमेशा इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि जो आपने किया वो क्यों किया, ना कि कहां और कैसे किया। आप हर प्रकार का भला काम कर सकते हैं, परंतु यदि आपकी नीयत दूसरों को प्रभावित करने की, पहचान पाने की या उनकी अस्वीकृति से बचने की है, तो आप अच्छे काम करने के अर्थ को खो देते हैं। दूसरे कुरिन्थियों 10:18 में पौलुस ने कहा, जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप हमेशा इसी बात में लगे रहेंगे कि दूसरे लोग आपको कैसा देखना चाहते हैं, तो आप वैसे नहीं बन पाएंगे जैसा परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं। दूसरों की चाहत आपको एक बक्से में बंद कर देगी, आपकी क्षमता को सीमित कर देगी और आपके उस सपने को पूरा करने से दूर रखेगी जिसे परमेश्वर ने आपके दिल में पूरा करने के लिए रखा है। दूसरा, लोगों को खुश रखना मेरे विश्वास को बढ़ने से रोकना है। स्वीकार न किए जाने का डर मुझे विश्वास में खतरा या जोखिम उठाने से रोकता है। जोखिम लिए बिना मेरा विश्वास बड़ा और विकसित नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों के द्वारा नीचा दिखाने और नापसंद किए जाने के डर की वजह से मसीह में विश्वास का पहला कदम भी नहीं उठाते। ये जानलेवा गलती है। बाइबल कहती है यूहन्ना 5:44 में, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो।
मसीह के साथ अपने संबंध के रास्ते में कभी किसी को आने की अनुमति ना दे। पीपल प्लीजिंग, लोगों की चापलूसी या उन्हें खुश करने की कोशिश करना एक भावात्मक बाधा है। यह आपकी क्षमता को स्थिर कर देती है। नीति वचन 29:25 के संदेश का विवरण कहता है, लोगों की राय का डर विकलांग बना देती है। निसंदेह कोई भी डर आपकी आत्मिक वृद्धि को रोकेगा, लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे की चिंता विशेष रूप से पंगु बना देती है, अक्षम कर देती है। जब लोगों की राय आपकी जिंदगी में ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके जीवन में परमेश्वर की भूमिका कम हो जाती है। परंतु जब आपके लिए परमेश्वर की स्वीकृति या पसंद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है तो आपके जीवन के बारे में दूसरों के विचार आपकी पकड़ छोड़ने लगते हैं। आपके लिए किसकी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? वो व्यक्ति जो कोई भी है, क्या वो आपका परमेश्वर है? जब आप परमेश्वर से ज्यादा किसी और की राय को महत्व देते हैं तो आप उस व्यक्ति को वो ताकत और अधिकार दे देते हैं जो केवल परमेश्वर की है। यह आपके अंदर हर प्रकार की असुरक्षा पैदा करती है। दूसरी तरफ जब आपके लिए परमेश्वर की स्वीकृति अधिक अर्थपूर्ण होती है तो वो आपको असुरक्षा से आजाद करती है, क्योंकि वो आपको कभी भी नहीं त्यागेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। लोगों को खुश रखना मुझे दूसरे गुनाहों की तरफ ले जाता है। ऐसे लोगों के उदाहरण से धर्मशास्त्र भरा हुआ है जिन्होंने दूसरों के दबाव में आकर गलत काम किए। अपने दूसरे भाइयों के दबाव में आकर रूबेन अपने छोटे भाई यूसुफ को गुलामी में बेचने के लिए राजी हो गया। जब लोगों ने दबाव डाला तो हारून ने आराधना के लिए सोने की मूर्ति बनाई। शिमशोन ने अपनी महिला मित्र के दबाव डालने पर परमेश्वर के साथ की अपनी मन्नत को तोड़ा। पत्रस ने लोगों के डर से यीशु को जानने से इनकार किया और पिलातुस ने ये जानते हुए कि यीशु ने सजा के लायक कुछ नहीं किया है, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति दी, क्योंकि उसे भीड़ के द्वारा अस्वीकार किए जाने का डर था। यदि आप ईमानदार है तो उस समय को याद कर सकते हैं जब आपको भी इन लोगों की तरह साथियों के दबाव में आकर झुकना पड़ा था। ये पल रुककर परमेश्वर से अपनी कायरता के लिए अंगीकार करने का, पक्षाताप करने का सबसे अच्छा समय है। शाऊल राजा के समान प्रार्थना करें, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। 1 शमूएल 15:24। सच कहूं तो यदि आपके दोस्त यीशु के प्रति आपकी वचनबद्धता के कम होने का, आपके विश्वास से इनकार करने का, अपने मूल्यों से समझौता करने का या परमेश्वर द्वारा आपके दिए गए सपने को छोड़ने का कारण है तो आपको नए दोस्तों को ढूंढने की जरूरत है। बाइबल चेतावनी देती है निर्गमन 23:2 में, बुराई करने के लिए बहुतों के पीछे ना हो लेना। ये भी बताती है कि यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना, नीति वचन 1:10। मित्रों जो परमेश्वर के साथ चलने से आपको रोकने की कोशिश करता है वो सच्चा मित्र नहीं है। 1 कुरिन्थियों 15:33-34 कहता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो। अगला पॉइंट है, लोगों को खुश रखना पाखंड का कारण होता है। अंग्रेजी का शब्द हिपोक्रेट एक प्राचीन यूनानी शब्द से आया है जिसका प्रयोग मंच के कलाकारों की व्याख्या में किया जाता था, जो एक ही नाटक के अलग अलग दृश्य में अलग अलग मुखौटा पहनकर विविध भूमिका निभाते थे। लोगों को खुश रखने वाले दर्शकों के अनुसार मुखौटा पहनते और भूमिका बदलते हैं। वो जो एक मुखौटा घर में, दूसरा चर्च में और उनसे एकदम भिन्न काम पर पहनते हैं वे पाखंडी और ढोंगी है। यदि आप लोगों को खुश रखने के जाल में फंस जाए तो आप अपने अंदर की सच्ची शख्सियत को छुपाते हो कि कहीं आपको अस्वीकृत ना कर दिया जाए। आप सामाजिक रूप से स्वीकार्य और राजनीतिक रूप से सही रहने के लिए अपनी आस्था या दृढ़ विश्वास के साथ समझौता करेंगे। यीशु फरीसियों से बोलते समय इसी प्रकार के पाखंड का जिक्र कर रहे थे। लूका 16:15,
तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। अगला पॉइंट है, लोगों को खुश रखना मेरे जीवन के संदेश को खामोश कर देता है। जब तक आप अस्वीकृति के डर से स्वतंत्र नहीं होते, परमेश्वर आपको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस प्रकार वो चाहते हैं। आप उस सामर्थी संदेश को बांटने में हिचकिचाएंगे जिसे परमेश्वर आपके द्वारा बताना चाहते हैं। आपकी गवाही दबी हुई होगी और आप किसी इंसान की सनातन नीति को बदलने के लिए परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के सबसे बड़े सौभाग्य को खो देंगे। सदियों से शैतान विश्वासियों को खामोश करने के लिए अस्वीकृति के डर का इस्तेमाल कर रहा है। यहां तक कि पृथ्वी पर यीशु की सेवकाई के दौरान एक के बाद एक आश्चर्य कर्म के समय यूहन्ना हमें बताते हैं, तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। बाद में यूहन्ना लिखते हैं, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वास्तविकता प्रकट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालयों में से निकाले ना जाए, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यदि आप लोगों के साथ अपने विश्वास को बांटने में हमेशा हिचकिचाते हैं, तो आपको लोगों की नियति के खातिर परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए, ताकि आप उस फंदे से आजाद हो सके।